हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सही कहता है। आप देख रहे हो पिलनॉस गेमिंग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ पिलनॉस गेमिंग का और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, डेली की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों, आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नेक्स्ट डायमंड रॉयल को लेके। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे हमारा जो गिफिन एम्पोरियन है और दोस्तों बानी बांडिल है, वो हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्दी रिटर्न आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और एक बार के सरण में हमारा जो M8 का जो न्यू चार गन स्किन है वो लग रहा हेलमेट गया है, तो भी आज आप लोगों को दिखा दूंगा। आप समझ सकती हो वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और डेली की तरह दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को जो से एक लाइक कर दो, चाहे पे न्यू आए हो, वीडियो का जो सब्सक्राइब वाला बटन दे दबा दो और बाजू में बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। दोस्तों, एक छोटा भाई समझ आपको रिक्वेस्ट किया, आई होप आप कर दोगे। चलिए आज के इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक अगेन। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग बात करेंगे छोटा छोटा अपडेट के बारे में और वीडियो का लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। तो हमारा जो M8 का जो चार न्यू गन स्किन आने वाला है वो बाहर के वियतनाम सरण में लग रॉयल के अंदर डाला गया है। तो आप बैकग्राउंड वीडियो में देख ही सकती हो, लग रॉयल के अंदर आपको टॉप गन स्किन को छोड़ के नीचे जो तीन गन स्किन आता है उसको लग रॉयल के अंदर डाला गया है। और इधर आप लोग को टोकन भी देखने को मिल रहा है। अगर आपका डायरेक्ट यहाँ से गन स्किन नहीं निकलता है तो आप लोग टोकन एक्सचेंज करके ये गन स्किन को ले सकते हो। और आप लोगों को डायमंड भी डायरेक्ट जीत सकते हो, मतलब सोचो स्पिन किया आपको टोकन मिल सकता है, नहीं तो पूरा गन स्किन मिल सकता है, कुछ गन किट भी मिल सकता है, नहीं तो दोस्तों पूरा डायमंड ही मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्किन वगैरह ऑलरेडी डाल दिया गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सचेंज करने पे ब्लू वाला एक्सचेंज करने के लिए 25 और येलो वाला को भी 25 चाहिए टोकन। और दोस्तों लास्ट वाला यानी दोस्तों जो व्हाइट वाला था उसको एक्सचेंज करने के लिए आपको 20 टोकन चाहिए। और दोस्तों बाहर के हमारा जो यूरोप सर्वर है उधर हमारा जो M8 का जो लास्ट वाला गन स्किन है यानी व्हाइट वाला को टॉप अप इवेंट में डाला गया है। तो आप देख सकते हो 5000 डायमंड टॉप अप, देख सकते हो 5000 डायमंड टॉप अप में यहाँ पे M8 का जो लास्ट वाला गन स्किन है वो डाला गया है। तो आप देख सकते हो लगभग ठीक ठाक गन स्किन है, फिर भी 5000 डायमंड टॉप अप ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो अभी देख ही सकते हो आपको बैकग्राउंड में। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो काटाना 2000 टॉप अप में और एक ऑगर नॉर्मल सा गन स्किन 1000 डायमंड टॉप अप में। तो राशिया सर्वर शायद बड़ा क्या बोलते हैं अमीरों का सर्वर होगा, इसलिए उतना ज्यादा डायमंड में टॉप अप में दिया जा रहा है। और आप लोगों को बता देता हूँ हमारे इंडियन सर्वर में ये जो M8 जो चार न्यू गन स्किन आने वाला है वो आने वाला है 7 जनवरी को यानी इसी मंथ का 7 तारीख को, और उसको रहेगा 13 जनवरी तक। और हमारे यहाँ पे कोई भी लग रॉयल में नहीं आएगा, एक वेब इवेंट में न्यू वेब इवेंट में हम लोग को ये गन स्किन देखने को मिल जाएगा। हमारे मतलब आपको नेक्स्ट अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे गेम के अंदर जितना भी बानी बांडिल है वो सब दोस्तों बैक आने वाला है। तो आप बैकग्राउंड वीडियो में देख सकती हूँ ये जो बानी बांडिल है लगभग इंडियन सर्वर में रियर बांडिल माना जाता है, तो काफी ओपी बांडिल है। और उसकी जो बानी बांडिल है इंडियन सर्वर में बहुत जल्दी बैक आने वाला है। पर्सनली मेरा बात करें तो दोस्तों ये जो बांडिल है मेरे को भी काफी अच्छा लगता है, तो ये फाइनली बैक आने वाला है। हालांकि मेरे पास उतना डायमंड नहीं रहता है, शायद मैं इसको नहीं निकल पाऊंगा। ओवरऑल इसका जो बांडिल का ऑल पार्ट है दोस्तों यानी मैं बात कर रहा हूँ सर का, पैंट का और उस जूता का ऑल ओवर व्यू की बात करें तो काफी ओपी बांडिल है, तो ये बांडिल बैक आने वाला है। इसी साथ जितना भी बांडिल रिलेटेड बांडिल है सब दोस्तों गेम के अंदर बैक देखने को मिलेगा। इसके बाद देख सकते हो एक फीमेल बांडिल जो कि बांडिल रिलेटेड भी है, देख सकते हो ये भी हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी बैक आने वाला है। तो ये भी लगभग ठीक ठाक बांडिल है, उतना भी अच्छा बांडिल नहीं है, पर्सनली मेरे को उतना भी खास नहीं लगा है। तो आप बताना आपको ये बांडिल कैसा लगा है। इसके बाद देख सकते हो और एक मेल बांडिल, ये 2 साल पहले आया था बानी इवेंट में, तो ये भी गेम के अंदर बैक आने वाला है। ये भी लगभग ठीक ठाक बांडिल है, खराब नहीं है, लगभग दोस्तों मेरे को पसंद आया है। इसके बाद देख सकते हो इसका फीमेल वर्सन, ये भी 2 साल पहले आया था, ये दोस्तों मेरे पास है क्योंकि ये डायमंड रॉयल में आया था, तो ये भी लगभग ठीक ठाक है, मैं इसको पहन के कभी कभी खेलता हूँ। इसके बाद दोस्तों और जो 2 बांडिल है हमारा बानी रिलेटेड वो भी बैक आने वाला है। तो अब इस और एक बार इसके बाद एक मेल बांडिल देख सकती हूँ, ये लास्ट ईयर आया था, तो ये भी आप लोग को बैक देखने को मिलेगा। तो काफी लगभग ठीक ठाक वाणी है, मेरे को तो पसंद आता है, फिर भी मेरा उतना औकात नहीं है कि मैं इसको निकल पाऊँ। तो देख सकते हो ये भी बैक आने वाला है। लास्ट में दोस्तों इसका जो फीमेल वर्सन है ये भी बैक आने वाला है। तो ओवरऑल जितना भी बानी रिलेटेड बांडिल है यानी जो बानी इवेंट है वो इंडिया सर्वर में बहुत जल्दी बैक आने वाला है। और जितना भी बानी रिलेटेड पुराना बांडिल है सब दोस्तों गेम के अंदर बैक आने वाला है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा बानी रिलेटेड रिटर्न के बारे में। अभी दोस्तों बात करते हैं हमारे गेम के अंदर जो हमारा गिफिन एम्पोरियन है उसका रिटर्न के बारे में।
देखो दोस्तों, जो ग्रिफिन एम्पोरियन और साथ ही जो हमारा बानी मंडल है, ये दोस्तों कब आएगा ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप लोग को बैग देखने को मिलेगा ये कंफर्म है। एक दो मंथ के अंदर ही आप लोग को बैग देखने को मिलेगा। सबसे आप लोग पहले आप लोग तो ये बानी मंडल देखने को मिलेगा ही, उसी के बाद देख सकते हो जो पुराना हमारा ग्रिफिन एम्पोरियन है उसका जो दोस्तों 4 गन स्किन है वो भी आप लोग को बैग देखने को मिलेगा। ये भी दोस्तों गन स्किन काफी ज्यादा रेयर है, आप बोल सकते हो 100 में से करीब एक दो बंदे के पास ही ये दोस्तों गन स्किन होगा। तो ये भी फाइनली गेम के अंदर बैक आने वाला है, तो बहुत बंदा का जो रेयर है उनको दीजिएगा दोस्तों, बुरा न्यूज है। फिर जिसके पास नहीं है उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा न्यूज है। हालांकि जो बानी बंडल बोल सकते हो, नहीं तो ये ग्रिफिन बंडल बहुत ही ज्यादा डायमंड कटेगा आपका, ये दोस्तों पहले से ही पता चल रहा है। तो सब दोस्तों गेम के अंदर एक से बढ़कर एक जो चीज वो बैक आ रहा है, तो आप लोग को बहुत ही जल्दी ये दो चीज आप लोग को बैक देखने को मिल जाएगा। मजा आया। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं आज का वीडियो का मेन टॉपिक यानी हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। देखो दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब डायमंड रॉयल खत्म होने में लगभग 20 दिन का टाइम है, और दोस्तों नेक्स्ट डायमंड रॉयल में आप लोगों को एक मिल बंडल देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों डाटा माइनर के थ्रू पता चल रहा है हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल में ये वाला बंडल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो काफी ओपी सा बंडल है, और दोस्तों OP31 में जितना भी बंडल को डिजाइन किया गया था सब दोस्तों गेम में आ चुका है, बस ये बंडल को छोड़ के। तो डाटा माइनर के थ्रू दोस्तों जो लीक्स एंड अपडेट देते हैं उनके थ्रू पता चल रहा है ये वाला मेल बंडल होने वाला है हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल। तो बंडल की बात करें तो लगभग ठीक ठाक बंडल है, और ये बंडल दोस्तों डायमंड रॉयल में आता है तो काफी ओपी बात होगा। दोस्तों अभी आप लोग 100% श्योर होके तो मैं नहीं बता सकता, दोस्तों करीब 70-80% चांस है ये वाला मेल बंडल आप लोगों को नेक्स्ट डायमंड रॉयल में देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ दोस्तों अपडेट था जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो जैसे लाइक कर देना, चैनल को सबसे करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हो तो और भी काफी अच्छा बात होगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए पिलर्स का वीडियो, और मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक एंड सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहते मेरे को फॉलो कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को दुगने एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। पर्सनली आप अगर मेरे साथ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, आपको मैं डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए पिलर्स का वीडियो। तो बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, हैव अ गुड डे।